दीदी मेहता, कुक एट होम विद दीदी मेहता में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे त्योहारों की स्पेशलिटी और राजस्थान की फेमस डिश कांजी वड़ा, जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने या पीने में बहुत टेस्टी होता है। साथ में डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। जब हम फेस्टिवल्स में बहुत हैवी खाना खाते हैं तो ये हमारी डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। ये देखिए, है ना एकदम सॉफ्ट वड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मजेदार कांजी वड़ा। पर उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे कांजी, और उसके लिए मैंने ये सारे मसाले लिए हैं। ये मैंने लिया है राई, 1.5 चम्मच राई ली है। राई ही लेनी है, सरसों का नहीं लेनी है। सरसों का दाना मोटा होता है और राई बारीक होती है, और राई से जो है वो हमारी कांजी में खटास आएगी, पर सरसों से खटास नहीं आती है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में मैंने लिया है ये 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लिया है मैंने काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 चम्मच हींग ली है, हींग का पाउडर। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इन सब चीजों को पीसना है बाद में। 1/4 चम्मच लिया है लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। ये ऑप्शनल है, पर हल्दी पाउडर डालने से हमारी कांजी में कलर बहुत अच्छा आएगा। सारे मसालों को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब हमें इसको ग्राइंड करके पाउडर की फॉर्म में बनाना है। सभी मसालों को पीस के मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें ये मसाले डाल देंगे। ये मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, क्योंकि कांजी जो है वो ज़्यादा दिन चलनी होती है, इसलिए ये प्रेफरेबली हमें जो है वो बॉइल्ड वाटर ही लेना चाहिए ताकि कांजी जो है वो ख़राब ना हो। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले, और हाथों से इसको अच्छी तरह से रब करेंगे। इससे हमारी कांजी में बहुत अच्छी फर्मेंटेशन होगी। 1 से 2 मिनट हमें इसको इसी तरह से रब करना है। ये मैंने कांच का जार ले लिया है, उसमें ये डाल देंगे। इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह से चला जाए, और ये बाकी पानी डाल के इसको बंद करके और 2 से 3 दिन के लिए हम इसको धूप में रख देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है वो कांजी अगर धूप में रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। डेली आप हमें इसको किसी चम्मच या कड़छी से जरूर हिलाना है। 3 दिन मैंने कांजी को धूप में रखा था। देखिए, कांजी हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। आप इसके ऊपर देख रहे होंगे किस तरह से राई जो हमने पीस के डाली थी वो फूल गई है, और मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट कांजी बन के रेडी हुई है। अब हम आप चाहें तो इस कांजी को ऐसे भी पी सकते हैं, और अगर ठंडा करके पीना चाहें तो हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये कांजी जो है वो ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडी कांजी पीने का मजा ही कुछ और है। जब तक कांजी ठंडी होगी, चलिए तब तक हम अपने वड़े की तैयारी कर लेते हैं। बनाने के लिए मैंने ली है ये 3/4 कप मूंग की धुली हुई दाल, और ये लिए हैं 2 चम्मच यानी कि 1/8 कप जो है वो उड़द की धुली हुई दाल। आप चाहे तो वड़े सिर्फ मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, पर थोड़ी सी अगर हम उड़द की दाल डालते हैं तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। दोनों दालों को हमें मिक्स करके अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो के और 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है। दाल को पहले से भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, और देखिए ये दाल कितनी बढ़िया फूल गई है। और उसके बाद जब है इसका पानी ड्रेन करके और एक बार इसको फिर से वॉश कर लिया है, और फिर पानी को हमने ड्रेन कर दिया है। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। चाहे तो आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और 2 मैंने हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इन सब चीजों को मिक्सी के जार में डाल के और दरदरा पीस लेंगे। इसी टाइम हमें इसमें पानी जो है वो कम से कम डालना है, क्योंकि ज्यादा पानी डाल देंगे तो हमारे वड़े जो है वो अच्छे नहीं बने। दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आपको मैं। बहुत स्मूथ मैंने इसको नहीं किया है, और आप देखेंगे कि मैंने इसको कितने खुले बर्तन में डाला है। खुले बर्तन में डालने से हमें दाल फेंटने में बहुत ही आसान हो जाता है। ये इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा।
अब हमें 3 से 4 मिनट इसको इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसको। इससे मटेरियल जो है वो एकदम फ्लफी हो जाएगा और हमारे वड़े जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट इसको फेंट लिया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये मटेरियल और कलर भी देखिए इसका चेंज हो गया। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होना रख दिया था। ऑयल को हमें बहुत तेज गर्म नहीं करना है, गैस को रखना है मीडियम आंच पे। अब ये थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और इसमें डाल देंगे कि इस तरह से हल्के बबल्स ही आने चाहिए इसमें जब हम मटेरियल डालें। आप चाहें तो इसको हाथ से भी डाल सकते हैं। जब तक हमारे वड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसको भिगोने के लिए पानी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच नमक। इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार पानी को, इसको पलट देते हैं और इसको हल्का ब्राउन होने तक हमें फ्राई। बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम ऑयल में से निकाल लेते हैं और ये जो हमने पानी रेडी करके रखा था इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से पानी में छोड़ना है। इनको भिगोए हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, देखिए कितने फूल गए हैं ये बड़े। अब हमें इनको हाथों से इस तरह से हल्का हल्का स्क्वीज करके इसका पानी निकाल देंगे और इसको हम कांजी में डाल देंगे। इस तरह से वड़ों को पानी में भिगोकर अगर हम कांजी में डालते हैं तो वड़ों का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो पानी में ही रह जाता है और कांजी हमारी बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है। वड़ों को कांजी में ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे जो वड़ों के अंदर भी कांजी के मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको ग्लासेस में सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी कांजी वड़ा बन के रेडी हो गया है। पीने में जितना टेस्टी होता है ये हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि कांजी जो है वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। आप चाहे तो इसको बिना वड़े के रायते वाली बूंदी डाल के भी बना सकते हैं या कांजी को ऐसे भी पिया जा सकता है। आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये कांजी वड़ा जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी। जल्द ही एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।